रुखसत। कोलकाता की सेंट जेवियर्स कॉलेज में दोपहर के समय एलिसा अपना लंच कर रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी। सब अपना खाना खाने में व्यस्त थे, इसलिए फोन उठाने की हिमाकत किसी ने नहीं की। दूसरी बार फोन बजा तो कॉलेज के चपरासी भैरव सिंह ने फोन उठाते हुए कहा, क्या है, अभी दिख नहीं रहा, लंच चल रहा है। आप फोन एलिसा को देंगे प्लीज? दूसरी तरफ से एक लड़की ने दर्द भरी आवाज में कहा। ठीक है, अभी देता हूँ। एलिसा मैम, आपका फोन है, पता नहीं किसी लड़की का है। हेलो, एलिसा ने फोन लेते हुए कहा। भाभी जान, उधर से एक आवाज आती है। हेलो, कौन? अचानक बने इस रिश्ते से एलिसा चौंक गई थी। मैं नीरजा, थोड़ा सक पका कर। कौन नीरजा? मैं तो कभी इस नाम से परिचित हुई नहीं। मैं अनवर की बहन नीरजा। लेकिन कौन अनवर? मैं किसी अनवर को नहीं जानती। अनवर यानी आपके पति हर्षित। चलो मान लेते हैं वो अनवर है, लेकिन अनवर की बहनों यानी मेरी सारी नंदों को तो मैं जानती हूँ, अब कहाँ से रिश्ता हो गया? मैं इस समय थाईलैंड के फीफी आइलैंड से बोल रही हूँ, नीरजा प्रत्युत्तर देती है। लेकिन वहाँ तो हमारा कोई सगा नहीं है, एलिसा ने बात काटते हुए कहा। शायद अहमद ने जरूरी नहीं समझा, इसलिए नहीं बताया होगा। मैं उनके पिता केरान पठान की दूसरी बीवी से पैदा हुई थी। अगर संभव हो तो अहमद भाईजान को फीफी आइलैंड जरूर लाना। अब्बा जान इस वक्त आखिरी रुखसत पर हैं। जाने से पहले एक बार भाईजान को देखने की ख्वाहिश लेकर बैठे हैं। ठीक है, मैं मनाकर उन्हें ले आऊंगी। एलिसा ने फोन रख दिया। अब एलिसा गहन चिंतन में थी। इस एक नए अजनबी मेहमान के एक कॉल ने थोड़ी देर में ही बहुत कुछ बदल कर रख दिया था। नीरजा के कहे एक एक शब्द उसके जहन में गूंज रहे थे। आखिरकार क्या परत है इस रिश्ते की? कौन है ये केरान पठान और क्या रिश्ता है उसका हर्षित से? और वो नीरजा हर्षित को अनवर भाईजान क्यों बोल रही थी? शुरू से एक एक बातें उसके मस्तिष्क में कौंध रही थी। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के MBA प्रोग्राम में वो पहली बार मिले थे। उसकी एक किताब जो वो लाइब्रेरी की टेबल पर रख कर गई थी, थोड़ी देर बाद जब वो लौट कर आई तो किताब नहीं थी। तभी सामने की रो में पढ़ते किसी महानुभाव के पास किताब का कवर नजर आया। एलिसा ने पास आकर घुड़क जमाई कि तुमने बिना अनुमति किताब कैसे ले ली? किताब ही तो लिए मोहतरमा, और वैसे भी मैं इसे पढ़कर वापस कर दूंगा। अपने चश्मे को हटाते हुए वो महानुभाव बोला। एलिसा ने देखा तो सामने एक गोरा रंग का युवक बैठा हुआ था। हालांकि वो अंग्रेजों जैसा तो नहीं लगता था, उसका हल्का श्याम रंग उसे गोरों की जमात से भारतीय होने का एहसास करवाता था। भारत के प्रति श्रद्धा के चलते एलिसा ने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी माँ ने, जो एक अंग्रेज के साथ ब्रिस्टल में शिफ्ट हो गई थी, भारत के बारे में काफी बातें बताया करती थी, जिससे एलिसा की दिलचस्पी भारत के प्रति विशेष रूप से जागृत हो गई थी। ब्रिस्टल में वो जन्म से रह रही थी। उसे आज तक हजारों लड़के लड़कियां मिले थे, लेकिन उन सब में उसका भारतीय दोस्त एक भी नहीं था। हर्षित की आंखों पर लगा चश्मा उसके पढ़ाकू होने का एहसास करवा रहा था। एलिसा को समझते देर नहीं लगी कि केवल पढ़ाकू व्यक्ति ही इससे गहरी दोस्ती कर सकता है। एलिसा ने बातचीत शुरू की। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे का सारा परिचय जान लिया था। अब दोनों यूनिवर्सिटी की कैंटीन में, लंच में तो कभी लाइब्रेरी में मिलने लगे थे। हर्षित एलिसा को अपने वतन की ढेर सारी बातें बताया करता था। पापा दादा दादी को तो उसने देखा नहीं था। कुल मिलाकर उसके मम्मी, नाना नानी और ममेरे भाई बहन रिश्ते के नाम पर थे। मतलब खून का रिश्ता कह सके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। पापा दादा दादी के बारे में उसने यही बता रखा था कि जब वो बहुत छोटा था तभी उनका देहांत हो गया था। उसने तो उनको देखा तक नहीं था। दादा दादी का प्यार उसे नाना नानी से तथा माता पिता का प्यार उसे केवल अपनी मम्मी से मिला था। ममेरे भाई बहनों से तो उसे केवल अपेक्षा ही मिली थी, इसलिए वो पढ़कर अपनी किस्मत बदलने पर तुला हुआ था। कैसे उसके नाना उसे कहानियां सुनाया करते थे। राजा वीरभान की कहानी तो आज भी उसे याद थी कि किस तरह राजा वीरभान ने बिछड़ने के बाद भी रानी सत्यमंती को ढूंढ निकाला था। वो उसके संघर्ष, उसकी की गई अपेक्षा, हर चीज से वाकिफ थी। आज हर चीज उसके जहन में आ रही थी। हर्षित का बाप एक पठान कैसे? एलिसा की शादी के लिए भी उसके नाना नानी ने बड़ी मुश्किल से परमिशन दी थी। एलिसा के माता पिता को कोई एतराज नहीं था,
लेकिन एक क्रिश्चियन लड़की हिंदू परिवार में सेटल होकर रह लेगी, इसकी सुनिश्चितता होने के बाद ही एलिसा को हर्षित के नाना नानी ने बहू के रूप में मान्यता दी थी। 7 साल सकुशल उनकी शादी को गुजर चुके थे। हर्षित और उसके परिवार ने तो हर बार यही बताया था कि हर्षित के पिता एक सड़क हादसे में मारे गए थे, और गजब तो ये था कि घर में उनकी सिंगल प्रतिमा तक नहीं थी। आखिरकार क्या जरूरत थी उन्हें इतना बड़ा राज छुपाने की? क्यों हर्षित अपने पापा का नाम नहीं लेना चाहता था? और अगर वो जिंदा है तो क्या हर्षित को उनके जिंदा होने की खबर नहीं मालूम क्या? और अगर मालूम है तो बिछड़ने की वजह क्या थी? क्यों उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? सैकड़ों सवाल एलिसा को किसी नस्तर की भांति चुभ रहे थे। जो भी हो, आज वो हर्षित से इस राज को बेपर्दा करवा कर रहेगी। एलिसा अपने मन में सवालों की एक श्रृंखला बनाए अपने पति हर्षित के आने का इंतजार कर रही थी। हर्षित कलकत्ता शहर के एक जाने माने बिजनेस टाइकून थे। एलिसा सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब करती थी। हर्षित के आते ही सवालों की बौछार शुरू कर दी। एलिसा को जानने से ज्यादा तो इस बात की शिकायत थी कि हर्षित और उसके परिवार ने उससे झूठ क्यों बोला, उससे ये बात क्यों छिपाई। मम्मी अपनी पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड गई थी एलिसा, वहीं उनकी मुलाकात केरान पठान यानी उनसे हुई जिनका समाचार आपको मिला। किरण पठान कौन है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि मम्मी और उनके बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। दोनों ने एक दूसरे को मन ही मन अपना मान लिया था। दोनों ने गुपचुप तरीके से रजिस्ट्रार के यहाँ शादी कर ली थी। किरण पठान आशिक मिजाज का व्यक्ति था, उसकी नज़र में 2 से ज़्यादा शादियाँ हो सकती थीं। मम्मी ने खुद को बांटने के बजाय अकेला रहना पसंद किया। कुछ समय बाद मैं पैदा हुआ। बच्चे को पिता का नाम देने के लिए केवल दिखावी तौर पर कागजात बनवा दिए गए, नाना जी के किसी जानकार को पिता के रूप में। अब तुम ही बताओ एलिसा, जिस आदमी ने मेरे पैदा होने से पहले मुझे छोड़ दिया, मैं उसका सम्मान कैसे करूं? जो भी हो हर्षित, वो तुम्हारे पिता हैं। भले ही उन्होंने तुम्हें कितने कष्ट दिए हों, लेकिन तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। मैं नहीं मिलूंगा एलिसा, हर्षित ने स्पष्ट मना करते हुए कह दिया। एलिसा के हजार बार जोर देने पर वो जाने को तैयार हुए। कराबी एयरपोर्ट के लिए टिकट बुक करवा दी। नीरजा को आने की सूचना एलिसा ने पहले ही दे दी थी। कराबी एयरपोर्ट पर नीरजा उन्हें लेने आई। हालांकि कभी मिले नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया था। नीरजा के घर पहुंचे, नीरजा उन्हें सीधा उस कमरे में ले गई जहां किरण पठान अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पाप और पुण्य का स्मरण कर रहा था। उसके पति मिस्टर फरहान सिराह ने बैठे हुए थे। खून ने खून को पहचान लिया। आ गए तुम अनवर, और इतना कहते ही वो फपक फपक कर रो पड़े। किसी अजनबी को भी उदास देखकर दयार्द्र होना मनुष्य का सहज गुण होता है। वो तो उसके पिता थे। हर्षित गले लगाते हुए चुप हो जाइए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा और तेरी माँ का गुनाहगार हूँ। मेरा मन मेरे बस में होता तो ये सब नहीं होता। मैंने दूसरी शादी करके मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। मेरे ही कर्म मुझ तक लौट कर आए। मेरे तीनों बेटे नालायक निकले, बेटी ने सहारा दिया। आखिरी रुख्सत से पहले मैं तुमसे अपने गुनाहों की माफी मांगकर तौबा करना चाहता हूँ। दोनों के गिले शिकवे दूर हुए। अचानक हर्षित को महसूस हुआ जैसे सांसें बंद हो गई हों। कुछ देर पहले तक जिस पुतले में एक शरीर बसता था, अब वो एक पंजर है। लोगों ने कहा कि रक्सती से पहले सब मुरादें पूरी हो गई थी, जन्नत अता होगी। आमीन।